नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हर्षे टेक्निकल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने सिंपल एंड्रॉयड फ़ोन के कैमरा को एक अच्छे DSLR कैमरा में चेंज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक ऐप की मदद से। तो वो बहुत ही आसान है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए गूगल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, गूगल कैमरा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ये सिर्फ एंड्रॉयड मार्शमैलो के लिए है, यानी एंड्रॉयड 6.0 के लिए। ये उसी में चलेगा और उससे नीचे फ़ोन में नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपने गूगल कैमरा डाउनलोड कर लिया, आप उसको ओपन करेंगे। ओपन करते ही आप देख सकते हैं कि आपको गूगल कैमरा दिखाएगा। इसमें थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम रहती है, लो लाइटिंग में दिखाता है ये। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे तीन बटन का ऑप्शन आएगा, आप इसमें टैप करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं तीन चार ऑप्शन आपको दिखेंगे। सबसे पहले आपको जाना है लेंस ब्लर में। जैसे ही आप लेंस ब्लर में टैप करेंगे, आप देख सकते हैं कि आपका कैमरा खुल गया है। आप सिंपली इसमें क्लिक करेंगे और ये आपसे बोलता है कि स्लोली अपना रेस करिए फ़ोन। आप सिंपली स्लोली थोड़ा सा रेस करेंगे और ये देख सकते हैं पिक खिंच गई है। अब आप पिक को देखेंगे तो ये देख सकते हैं कि ये प्रोसेसिंग कर रहा है इमेज को। जैसे ही प्रोसेस करने में और रेंडरिंग करने में इसको थोड़ा टाइम जाता है। तो जैसे ही हो जाती है फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो अब देख सकते हैं जैसे इसकी रेंडरिंग हो गई है, आप इसको खोलेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप इसको लेंस ब्लर का बटन दिखेगा, आप वहाँ पर टैप करेंगे। टैप करते ही आप देख सकते हैं ये आपको ऑप्शन देता है कि आपको कितने एरिया को ब्लर करना है, नहीं करना है। तो आपको जो भी एरिया को ब्लर करना है आप सिंपली वहाँ पर टैप करेंगे। उस एरिया को आप देख सकते हैं बड़ा कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैंने इंक्रीज कर दिया तो आप देखेंगे, अब इस एरिया को इंक्रीज करने के बाद आप देखेंगे कि एकदम, फिर आप जहाँ पे आपने कर दिया उसके बाद आप डन करेंगे। डन करने के बाद ये आपकी इमेज को रेंडर करेगा। रेंडर करने के बाद ही आप देख सकते हैं कि इतने अच्छे पूरा पीछे से इसका बैकग्राउंड एकदम ब्लर हो गया है। तो ये कुछ कैमरा सैंपल है, ये मैंने एक और लिए थे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि आप इसमें कितने अच्छे से डिटेलिंग आती है। और ये आपका कैमरा, सिंपल कैमरा को DSLR के जैसे फीचर्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये दोस्तों था मेरा छोटा सा ट्यूटोरियल कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन के सिंपल कैमरा को एक DSLR कैमरा में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।